तो आज हम सीखने वाले हैं कि इस डिसअसेंबल पुलअप बार को आप कैसे कैसे यहाँ पे ऐसे वॉल पे सेटअप करना है। ओके, तो स्टेप नंबर वन इज कि पुलअप बार जैसे डिसअसेंबल्ड आया है, आपको इसको पहले पूरा असेंबल करना है, ठीक है। पहले इसको ड्रिल करके नहीं लगा देना है, पहले पूरा इसको असेंबल करना है, फिर ड्रिल करके लगाना है। अब बात करते हैं कि आपको पुलअप बार को किस हाइट पर लगाना है, ठीक है। बेसिकली जहाँ पे पुलअप बार को लगाना है, आप आपके ऐसे टोस पे ऊपर जाइए और हाथ का से पूरे ऊपर कर दीजिए, और आपका फिंगर जहाँ पे एंड करता है वहाँ पे आपको पुलअप बार लगाना स्टार्ट करना है। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इस पुलअप बार पे एज यू कैन सी कि मेरे जो लेग्स है वो इजिली ग्राउंड को टच कर जा रहे हैं, एंड जब आप ऐसे वेटेड पुलअप्स वगैरह करेंगे तो आप ठीक से कर नहीं पाएंगे, बिकॉज यू नो आपके आप अपने लेग्स को नीचे ऐसे स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपको ऐसे बेंट लेग्स करके करना होगा, आप ऐसे स्ट्रेट लेग्स करके पुलअप्स नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पुलअप बार को आपको ऐसे हाइट पर सेट करना है कि आप टोस को ऐसे ऊपर करके फिर पुलअप बार को टच कर पाए, इसीलिए जब आप पुलअप करेंगे तो आपके लेग्स ग्राउंड को हिट नहीं करेंगे। इसके बाद जब आपने डिसाइड कर लिया है कि पुलअप बार को आपको किस हाइट पर लगाना है, आपको उस हाइट पे पुलअप बार को ऐसे लगा के फिर यहाँ पे पेंसिल से इन ये जो आप होल्स देख रहे हैं यहाँ पे पेंसिल से आपको गोल गोल करके ड्रॉ करना है, एंड इन होल्स पे ही आप फिर ड्रिल करके स्क्रूज लगाकर फिर पुलअप बार को लगाएंगे। अभी मैं आपको ये वीडियो में नहीं दिखा सकता, बट मैं ड्रिल करके आपको फिर दिखाता हूँ, ठीक है। प्रीटी सिंपल प्रोसेस, ऐसे पुलअप बार को यहाँ पे रखो और ये जो होल्स है इन पे सिंपल ऐसे गोल गोल कर दो, फिर चारों होल्स पे ड्रिल कर दो, प्रीटी सिंपल। ओके, सो ड्रिल करने के बाद आपके होल्स को जैसे दिखेंगे, अभी ये होल्स पुलअप बार के लिए नहीं है, ये पुली सिस्टम के लिए था जो मैंने पहले किया था, बट यहाँ पे मैं बेसिकली आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि होल्स कैसे दिखेंगे, और फिर आपको इस स्क्रू को इन होल्स के अंदर कैसे ऐसे घुमा के घुसाना है सो दैट पुलअप बार ठीक से फिक्स हो, ठीक है। अभी वॉच दिस पार्ट केयरफुली, ठीक है। अगर आपको पुलअप बार को बाद में निकालना हो, ठीक है, तो आप स्क्रूज को ऐसे नहीं घुसाएंगे, ठीक है। आप स्क्रूज को ऐसे घुसा देंगे तो पुलअप बार को बाद में निकालने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अगर आपको पुलअप बार को बाद में निकालना है, आप स्क्रूज को ऐसे घुमाएंगे, मतलब ये जो हेड है ये पूरा ऐसे ऐसे अंदर जाएगा, फिर पुलअप बार जो है आपका आप उसको यहाँ से पुलअप बार को कुछ ऐसे इसमें घुसा देंगे, फिर इसका जो स्क्रू है यहाँ पे जो स्क्रू है उसको ऐसे गोल गोल घुमा के तुम ऐसे लगा दोगे, तो ये पुलअप बार अगर तुम बाद में चाहते हो तो सिंपली इस स्क्रू को ऐसे गोल गोल घुमा के खोल लो, फिर ऐसे पुलअप बार को अगर तुम पुल करोगे तो ये निकल आएगा और ये स्क्रू ऐसे अंदर ही लगा रहेगा। अभी ये प्रॉपरली मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स दीज होल्स आर नॉट मेड फॉर दिस स्क्रू एंड ये पुल अप बार के लिए होल्स नहीं है, बट मैं आपको पूरा प्रोसेस करके अभी दीवार पे दिखाता हूँ। ओके, तो एज यू कैन सी अभी पुलअप बार पूरा लग चुका है, एंड दिस इज रॉक सॉलिड एयर। एज यू कैन सी एकदम भी मूव नहीं हो रहा, एंड दैट इज मेनली बिकॉज ड्यू टू दिस बोल्ट्स एंड योर वॉल स्ट्रेंथ। देखिए, इस पुलअप बार का जो कैपेसिटी है वो है अराउंड 120 केजेस, ये लोग बताते हैं, ठीक है। मतलब ये मेटल का जो कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 120 केजेस शायद, मैंने टेस्ट नहीं किया है शायद, बट पुलअप बार का कितना कैपेसिटी होगा ये प्योरली आपके वॉल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो मेरा वॉल है इट इज़ अ प्रीटी गुड रेड ब्रिक वॉल, इसीलिए इस पर ये आराम से लग गया, एंड इसका स्टेबिलिटी अच्छा होने वाला है बिकॉज ऑफ द वॉल। अगर आपके वॉल में हॉलो ब्रिक्स है या फिर आपका वॉल का कंडीशन अच्छा नहीं है तो फिर आपका पुलअप बार भी उतना स्टडी या फिर स्टेबल नहीं होता। तो मोर देन दी पुलअप बार क्वालिटी आई वुड से वॉल का क्वालिटी ज्यादा मैटर करता है कि पुलअप बार आपका कैसा होगा। तो मैंने आप लोगों को जैसे दिखा है मैंने वैसे ही बोर्ड लगाया, ठीक है। इसको अगर आप एक रेंच लेके इस तरफ घुमा दे, इन सभी को अगर लूज कर दे और फिर पुलअप बार को ऐसे बाहर की तरफ पुल करे तो यानी ये पुलअप बार आराम से खुल जाएगा। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि एक पुलअप बार को हमेशा एक प्रोफेशनल से ही इंस्टॉल करवा, जैसे मैंने भी अभी प्रोफेशनल से इंस्टॉल करवाया, बट आई जस्ट शोड यू कि घर पे अगर आप खुद ड्रिल करके कर रहे हैं देन आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ड्रिलिंग में कुछ गलती करते हैं देन प्रोफेशनल को पता होगा कि वो ठीक कैसे करना है, बट आपको शायद नहीं पता होगा। बट इफ यू आर अ प्रोफेशनल योरसेल्फ, आप ड्रिल वगैरह करते हैं देन दिस इज हाउ यू सेट अप अ पुलअप बार।
अगर आपको अभी इस पुलअप बार को खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक कर दूंगा टू बाय दिस पुलअप बार। इसका दाम है अराउंड 1200 रुपये, विच इन माई ओपिनियन इट्स अ वेरी गुड बार्गेन फॉर द अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी इट प्रोवाइड्स यू। मैंने इस पुलअप बार का कंपैरिजन इस पुलअप बार से भी किया हुआ है, सो इफ यू वॉन्ट टू चेक आउट दैट वीडियो, दिस इज अ वॉल माउंटेड एंड दिस इज अ डोरवे पुलअप बार, गो चेक आउट दिस वीडियो राइट ओवर हियर। बाय बाय।